हे फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 मूवीज़ के बारे में जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और आपको ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, इन मूवीज़ को यूट्यूब पर इलीगली अपलोड किए गए हैं, तो ये मूवीज़ कभी भी यूट्यूब से डिलीट हो सकती हैं, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, हाउल। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2015 में। एक हॉरर मॉन्स्टर वाली फिल्म है। इस फिल्म में कुछ लोग एक ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक बीच रास्ते में वो ट्रेन एक हिरन से टकरा कर रुक जाती है। तब ट्रेन का ड्राइवर नीचे उतर कर देखता है तो उस पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। तो वो मॉन्स्टर बाद में ट्रेन में बैठे सभी लोगों पर हमला करने लगता है। तो फिल्म में आखिर तक कौन कौन बचता है वो जानने के लिए आपको देखनी होगी हाउल। नंबर 9, रिप्लिकास। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2018 में। इस फिल्म में विलियम फोस्टर एक ब्रिलियंट न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं। तो एक बार वे अपनी फैमिली को एक कार एक्सीडेंट में खो देते हैं। तो वे अपनी फैमिली को क्लोनिंग के जरिए वापस लाना चाहते हैं। तो वे ऐसा कर पाते हैं कि नहीं, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी रिप्लिकास। नंबर 8, सोर्स कोड। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2011 में। इस फिल्म में कॉल्टर स्टीवंस को एक मिशन मिलता है जिसे उन्हें पूरा करना होता है सिर्फ 8 मिनट में, लेकिन वो फंसे हुए होते हैं एक टाइम लूप में जो कि एक ट्रेन है जो हर 8 मिनट में ब्लास्ट हो जाती है। तो क्या स्टीवंस उस लूप को तोड़ पाते हैं या नहीं, और वो मिशन क्या है, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी सोर्स कोड। नंबर 7, रॉन्ग टर्न। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2003 में। इस फिल्म में कुछ दोस्त दूर एक जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो उन पर अचानक कुछ नरभक्षी हमला कर देते हैं। तो फिल्म के एंड तक वे सभी दोस्त उस जंगल से बाहर निकल पाते हैं कि नहीं, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी रॉन्ग टर्न। नंबर 6, एक्समैन डार्क फिनिक्स। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2019 में। इस फिल्म में एक्समैन की टीम मेंबर जीन ग्रे को स्पेस से पावर्स मिलती हैं। तो उसके धरती पर आने पर वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो बाद में धरती पर एलियंस आ जाते हैं और वो जीन से उस पावर्स को लेने की कोशिश करते हैं। तो क्या आगे फिल्म में एक्समैन और उसकी टीम उन एलियंस को खत्म कर पाती या नहीं, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी एक्समैन डार्क फिनिक्स। नंबर 5, प्रोमेथियस। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2012 में। इस फिल्म में एक साइंटिस्ट के ग्रुप को मानव जीवन की शुरुआत के कुछ सुराग मिलते हैं। तो उनके बारे में और जानने के लिए उन्हें एक अनजान ग्रह पर भेज दिया जाता है। तो फिल्म में आगे उन सब के साथ क्या होता है वो जानने के लिए आपको देखनी होगी प्रोमेथियस। नंबर 4, मेमेंटो। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2006 में। इस फिल्म में गाय पियर्स को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी होती है, यानी कि हर 15 मिनट के बाद वो सब कुछ भूल जाता है, जिसके लिए वो अपनी बॉडी पर टैटू और अपने पास कुछ नोट्स बनाए रखता है और वो अपनी वाइफ के कातिल से बदला लेना चाहता है। तो अब आप फिल्म में देखिएगा कि वो कैसे बदला लेता है उस खूनी से। नंबर 3, फास्ट एंड फ्यूरियस 6। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2013 में। ये फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का 6th पार्ट है। इस फिल्म में डेकर शॉ के भाई ओवन शॉ की लड़ाई डोमिनिक टोरेटो के साथ होती है, क्योंकि ओवन शॉ ने टोरेटो की टीम मेंबर लेटी को, जो अपनी याददाश्त खो चुकी है, तो वो उसे अपनी टीम के साथ मिलाकर उससे गलत काम करवा रहा है। तो जब टोरेटो को ये सब पता चलता है तो वो और उसकी टीम लेटी को वापस लाने के लिए निकल पड़ती है। तो वे उसे बचा पाता है कि नहीं, वो जाने के लिए आपको देखनी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस 6। नंबर 2, द प्रेस्टीज। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2006 में। इस फिल्म में दो जादूगर होते हैं जो कि पहले तो अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन बाद में वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और वे एक दूसरे के मैजिक शो में जाके उनके जादू का राज खोल देते हैं। और फिल्म में जादू एक साइंस है ये भी बताए गए हैं। तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। नंबर 1, द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ल्ड्स एंड। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2007 में। इस फिल्म में कैप्टन जैक स्पैरो को वापस लाने के लिए और डेविड जॉन्स को खत्म करने के लिए कैप्टन जैक स्पैरो की टीम निकल पड़ती है समुद्र के एडवेंचर पर। तो क्या वे कैप्टन जैक स्पैरो को वापस ला पाते हैं या नहीं, और क्या वे डेविड जॉन्स को खत्म करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, वो सब जानने के लिए आपको देखनी होगी द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ल्ड्स एंड। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।